गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। इस सत्र में हम लोग छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में जो तत्वमसी महावाक्य उपदेश है उसके बारे में चिंतन करेंगे। छांदोग्य उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद अपने आकार में बहुत बड़े हैं, लेकिन उसमें हमको जो सीखना है वो यही है कि पूर्ण आध्यात्मिक साधना के बारे में इन दो उपनिषदों में बड़ा विस्तार से वर्णन आया है। हर एक वस्तु का अपने स्थान पर क्या महत्व है ये जब समझ में आता है तो साधना सहजता से होने लग जाती है। यह छांदोग्य उपनिषद केनोपनिषद के जैसे ही सामवेद के तलवकार शाखा का है, और इसीलिए केनोपनिषद का जो शांति पाठ था वही शांति पाठ इस उपनिषद के लिए भी है। हम उसको केवल पढ़ते हैं फिर प्रवेश करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। इस शांति पाठ में भगवान से प्रार्थना करिए है कि हे भगवान हमारी सब फैकल्टीज नॉर्मल काम करें, आप प्राण चक्षु हो, और सभी उपनिषदों में जिस ब्रह्म का निरूपण हुआ है उसको हम निरादर ना करें। देखो जिसके प्रति आदर होता है उसी को हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जिसके प्रति अनादर होता है उसकी प्राप्ति की कभी इच्छा नहीं करते। इसीलिए पहले जीवन में आदर की भावना हो तब साधना हो सकती है। और ये भी समझे कि हम भले भगवान को आदर करें ना करें उसने हमको हमेशा ही स्वीकार किया है। इस प्रकार से वो धर्म वो गुण वो कैरेक्टर जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है वे सभी के सभी मुझ में पूर्ण रूप से रहे हे भगवान। इसीलिए ओम शांति 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 तीन प्रकार की शांतियाँ हमारे तीन देह को ठिकाने पर लाने के लिए है। पहले है स्थूल देह। जब तक हमारा स्थूल देह काम नहीं करेगा ठीक से हम लोग आध्यात्मिक साधना नहीं करते, योगा करेंगे। इसलिए पहले ओम शांति स्थूल देह के लिए। दूसरी शांति हमारे सूक्ष्म देह के लिए। अपने मन से कर्तृत्वाभिमान जब तक नहीं हटेगा तब तक के साधना में प्रयत्न शैथिल्य नहीं आएगा, और जब तक प्रयत्न शैथिल्य नहीं आएगा तब तक के स्वरूप में निष्ठा नहीं होती। प्रयत्न हमेशा जब हम अपने स्वरूप से अन्य होते हैं तभी होता है। स्वस्थ जब रहते हैं तब प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, तब सहजता आती है। इसलिए दूसरी जो शांति है अपने जीव भाव के त्याग में है। और तीसरी शांति जो है वो है हमारे अज्ञान की निवृत्ति के लिए। इस प्रकार से इस शांति पाठ के द्वारा हमने पूर्ण तत्व का निरूपण सा ही किया है। अब इसमें जो मूल रूप से बात बताई है, इसमें 6-8 अध्याय है, उसमें से हम सभी का अध्ययन नहीं करेंगे, केवल छठवें अध्याय में देखेंगे कैसे तत्वमसी महावाक्य का उपदेश किया जाता है। व्यक्ति अभिव्यक्ति और अभिव्यक्त यह तीन बातें हैं। व्यक्ति माने मैं तू तू करने वाला, वो हो गया व्यक्ति।
अभिव्यक्ति माने जो अभिव्यक्त हुआ है, जैसे प्रकाश यह बिजली की बल्ब के माध्यम से अभिव्यक्ति है, इंडिविजुअल बल्ब इज व्यक्ति, ये बल्ब फ्यूज हो गया, ये काम कर रहा है, लेकिन अभिव्यक्ति जो है प्रकाश उसको अभिव्यक्ति कहेंगे, और जो बिजली है उसको अभिव्यक्त कहेंगे। तो तीन बातें हो गई, अभिव्यक्त क्या हुआ, चेतन सत्ता, अभिव्यक्ति क्या है, यह जगत में, जड़ जगत में जीव का प्राकट्य, और व्यक्ति क्या है, एक एक व्यक्तिगत पुरुष। इस प्रकार से ये तीन चीजें हैं। तो इस समय हम लोग व्यक्ति में फंसे हुए हैं, इस व्यक्ति माने कार्य इफेक्ट, और अभिव्यक्ति माने कारण। तो प्रकाश बिजली का बल्ब के माध्यम से प्रकट होना यह कारणात्मिका स्थिति है, और एक एक बल्ब को समझ लेना यह कार्यात्मक स्थिति है। साधना क्या हो गई कि व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंच जाए, ये साधना है। उसके लिए ये तीन शांतियां बताई है, और जब अभिव्यक्ति में पहुंचेंगे तब किसकी अभिव्यक्ति है ये प्रश्न आएगा, फिर हम अभिव्यक्त जो हुआ है उसमें पहुंचेंगे। इस प्रकार से उपनिषदों में यह तीन परिस्थितियों से गुजरने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। तो इसमें जो अभिव्यक्ति है उसको साधना करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे, जो कारणात्मिका स्थिति होती है उसमें व्यक्ति का या कार्य का पाप पुण्य इत्यादि कुछ नहीं होता। जैसे एक बल्ब है जो भगवान की मूर्ति को प्रकाशित कर रहा है, दूसरा बल्ब है वो बाथरूम में टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है, तो उस बल्ब के लिए जो मूर्ति को प्रकाशित कर रहा है पुण्य कर्म नहीं, और जो टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है पाप कर्म नहीं। तो पाप पुण्य असल में व्यक्ति को लेकर ही होता है। यदि वो व्यक्ति ये कल्पना करे कि भैया हम तो देखो कितने भाग्यवान हैं, भगवान के विग्रह को नहलाते हैं, दूसरा कहता है हम तो बड़े अभाग्य है, हमको तो बाहर में झाड़ू ही लगाना पड़ता है, तो इस प्रकार से जो बुद्धि होती है वह कार्य में फंसी है। लेकिन कारणात्मिका क्या होगी, कारणात्मिका ये है चाहे वो बल्ब किसी को प्रकाशित करे या न करे, उससे उसके प्रकाश में कुछ कारुष्य नहीं आता। तो यह कारणात्मिका स्थिति में पहुंचने के लिए जो किया जाता है वह साधना। और जब इस कारणात्मिका स्थिति में आते हैं, अभिव्यक्ति में आते हैं, तो व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे डॉक्टर लोग सीखते हैं, समझो आय के डॉक्टर, तो पहले एक व्यक्ति के आय में देखना शुरू करते हैं कि आंखें कैसी होती है, फिर उस मुर्दे की आंखों से आंखें मिलाते हैं, और उसके पश्चात जिंदे के आंखों से आंखें मिलाते हैं, और उसके बाद यदि फिर किसी पेशेंट आया तो ऐसा कहेंगे क्या, पहले तुम मरो फिर देखते हैं। हाँ, क्योंकि भले वो व्यक्ति को देख रहे हो लेकिन देख क्या रहे हैं, अभिव्यक्ति को देख रहे हैं। दे मे बी सीइंग द इफेक्ट बट देयर अंडरस्टैंडिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजल लेवल। इसी प्रकार से जब हम व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंचते हैं तब जाकर के हमने कुछ साधना करी है, और यहां आने के पश्चात फिर आगे जाते हैं कि आंखें अंधी भी होगी तो क्या हो गया, यह आंखों का अंधापन जो चेतन प्रकाश प्रकाशित कर रहा है वो तो अभी है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। इस प्रकार से जीव के लिए ही साधना है, ना तो चेतन सत्ता के लिए साधना है, ना तो प्रकृति के लिए साधना है, बल्कि यह चेतन सत्ता जब प्रकृति के माध्यम से प्रकट होती है तो उसमें यह व्यक्तित्व की भ्रांति निर्माण होती है। इसीलिए जीव की तीन समस्या है, मन विक्षेप और आवरण। मल माने अंतकरण में जो राग द्वेष के संस्कार है उनको मल कहते हैं। तो इस मल के निवृत्ति के लिए शास्त्र में कर्मयोग का अनुष्ठान बताया है। तो ये कर्मयोग करने से क्या, देखो तीन बातें होती है, एक है कर्म,
दूसरा है कर्म रोग और तीसरा है कर्म योग। कर्म है सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? सिद्धांत है कि हम यदि बुरा कर्म करेंगे तो हमको दुख मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। क्योंकि हमारी बुद्धि कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण में फंसी है, इसीलिए बताते हैं कि हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। तो यह हो गया अपने कर्म का सिद्धांत। फिर इन कर्म के संस्कार जो कर्म के सिद्धांत के अनुसार बनते हैं उनको हटाना, इसको कहते हैं कर्म योग, और उसमें और फंस जाना उसको कहते हैं कर्म रोग। देखो तो कर्म रोग में क्या है, वी बिकम वर्कोहोलिक, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करना ही, एक मिनट शांत नहीं बैठ सकते, कुछ नहीं कर सके तो खुराफात करो, तो वही बढ़िया बात है। किस प्रकार से जो कर्म रोगी है वो हमेशा परेशान रहे, हम तो डूबे हैं, सनम पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे, और इससे निकलने का जो तरीका है वो कर्म योग का तरीका है। कर्म योग में योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि, जिसको कहते हैं अंतःकरण में जो मल है उस मल के निवृत्ति के लिए कर्म योग का सिद्धांत हमारे सांदर्भिक उपनिषद में बताया है। इसमें जो पहले 5 अध्याय है उसमें यही बातें बताई है कि जैसे एक इसमें अनेक कहानियां हैं। एक कहानी में आता है कि एक साधक को कहता है कि मुझे बताइए ब्रह्म विद्या, तो वो कहते हैं कि ऐसे करो तुम ये 100 गाय ले जाओ और जब तक कि ये गाय 1000 नहीं होगी तब तक के वापस मत आना। तो वो जाकर के अपना गायों को ले जाता है जंगल में और वो गायों का पालन कर रहा है, उनको बढ़ा रहा है धीरे धीरे धीरे। जब 1000 गाय हो जाती है तब वो गुरु के पास आया। तो जब गुरु के पास आया तो गुरु कहते हैं अरे तुम तो साक्षात ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं है और ब्रह्म ज्ञानी में। इस प्रकार से बताते हैं जब अंतःकरण की शुद्धि पूर्ण रूप से गुरु के उपदेश का 100% पालन करना किसी ने जान लिया है तो वही उसके तत्व ज्ञान का एक कारण बन जाता है। इस प्रकार से कर्म के द्वारा अपने राग द्वेष का निराकरण करके संपूर्ण समर्पण से गुरु के वाक्य का यदि हमने जीवन में आधान किया तो वही ब्रह्म विद्या का कारण बनता है। इस प्रकार से कर्म के द्वारा मन का निवारण करना यह एक पहला सिद्धांत हमारे शास्त्र उपनिषद बताते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या हो जाता है, हम कर्म में इतने फंस जाते हैं कि पूरे जीवन में केवल कर्म कर्म यही बना रहता है। इस कर्म को कर्म रोग से बचा करके कर्म योग में परिवर्तन करने की प्रक्रिया भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक में बताई। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञ का तात्पर्य है ईश्वर परमात्मा भगवान। तो जो कर्म स्वयं के लिए किए जाते हैं वो कर्म का बंधन निर्माण करते हैं, लेकिन जो कर्म ईश्वरार्पितम नेच्छयाकृतम, जो कर्म ईश्वर के प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं वो कर्म हमारे अंतःकरण में कर्म का बंधन नहीं निर्माण करते। तो जो कर्म ईश्वर के लिए करना हो कैसा करेंगे, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट का माल है, अपने को क्या फर्क पड़ता है। देखो ना, इसी प्रकार से ये तो भगवान का कर्म हो रहा है, अपने को क्या फर्क पड़ता है। वहां कहते हैं मुक्त संग समाचर, अपना जो भी कर्म करना है वो अत्यंत परफेक्टली करना है लेकिन उसमें किसी प्रकार की आसक्ति ना हो। तो कर्मयोग का तात्पर्य हुआ जो कर्म ईश्वर के लिए किया जाता है सुचारू रूप से किया जाता है और आसक्ति का त्याग करके किया जाता है, ऐसे कर्म करने की प्रक्रिया को कर्मयोग कहते हैं। इसीलिए उसी अध्याय में बताते हैं मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः।
तो कर्म करते समय अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा करके भूत का भय, भूत के भूत का बोझा और भविष्य की चिंता दोनों का त्याग करके वर्तमान में प्रसन्नता से जो अपने सामने कर्म आता है उसको करना, यही कर्म योग है। इसके द्वारा जैसे पंचम अध्याय में बताते हैं, योगी नहा कर्म कुर्वन्ति संगम चक्त्वा आत्मशुद्ध है, तब आत्मा की माने अपने अंतकरण की शुद्धि होगी। अंतकरण की शुद्धि का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के दिमाग से ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये क्यों क्यों जो है ना वो निकल जाता है। जो आदमी क्यों क्यों करने वाले हैं वो कुछ नहीं कर सकते जीवन में, क्योंकि उनका जो मन है वो अभी फंसा हुआ है दुनिया में, वो कभी नहीं निकल सकता। फिर उसके बाद दूसरा आता है विक्षेप। विक्षेप का कारण दो प्रकार से है, एक तो बाहर का जगत और दूसरा अपने अंदर की केमिस्ट्री। बाहर का जगत माने क्या, हमको सबको एक आदत पड़ी हुई है। कौन सी आदत है, हर चीज को लेकर के कमेंट्री शुरू कर देना, हर चीज को और उसके कारण हर चीज को लेकर के विक्षेप आते हैं। किसी को 58 लाख रुपए मिले तो विक्षेप आया, किसी को 60,000 रुपए मिले तो विक्षेप आया। विक्षेप किस लिए आया, अपने को कुछ नहीं मिला, जितने लोगों ने ये क्रिकेट की मैच देखी उनको यदि 1-1 लाख रुपए देते तो कितना अच्छा होता देखो, लेकिन ये लोग समझते नहीं ठीक से। रिएक्शन करने के लिए बुद्धि थोड़ी चाहिए, बुद्धू होना चाहिए। तो ये जो हमारी आदत है हर चीज को लेकर के रिएक्शन करना, इसी को कहते हैं विक्षेप। जिस दिन हमारा मन ऐसा हो जाता है कि जगत का दर्शन हो रहा है लेकिन जगत के दर्शन के बाद जगत के प्रति कोई प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं हो रही है, तब जाकर के हमारे अंतकरण की विक्षेप शांत है। देखो इसके ऊपर आप सूक्ष्मता से चिंतन करना, देखना आप जो भी कुछ आता है जाता है, विशेष करके जो विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं हर एक घर में, मालूम है ना, विजिलेंस ऑफिसर जो 70 नॉट आउट, 60 नॉट आउट, 80 नॉट आउट होते हैं, दिन भर घर में कुछ करने को है ही नहीं तो दिन भर बैठे हैं। हाँ, आजकल कल्पना खिड़की के पास बहुत खड़ी रहती, रिपोर्टेड बाय द विजिलेंस ऑफिसर। अब कोई खिड़की के पास खड़ी रहे या लटकाए आपको क्या करना है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य कर्म नहीं, क्या कर्तव्य रहोगे। देखो हर चीज को लेकर के रिएक्शन करना ये हमारा स्वभाव बन जाता है, उसके कारण मन में विक्षेप आते हैं। दूसरा विक्षेप का कारण है अपने अंदर की केमिस्ट्री का गड़बड़ी हो गई है। देखो याज्ञवल्क्य स्मृति और वशिष्ठ संहिता इन दो ग्रंथों में आता है कि जब तक के प्राणायाम के माध्यम से नाड़ी का शोधन नहीं होता तब तक के मन को शांत रखना असंभव है। ये जो दो ग्रंथ है योग के उसमें बताते हैं कि जो कुछ हम खाते हैं खाने के बाद जो एक भाग है उसका तो शरीर में उपयोग होता है, जो दूसरा है उसको शरीर से निकाल दिया जाता है। तो जो निकाल दिया जाता है उसमें सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं। तो जो टॉक्सिन्स है सॉलिड और लिक्विड तो निकल जाते हैं, गैसेस जो है टॉक्सिन्स वो अपने देह में रहते हैं और वो हमारे मन को विक्षेपित करने के कारण बनते हैं। इसीलिए प्राणायाम के माध्यम से जब हमारा अंदर का ये जो जहर है वायु रूप से वो जब पूरा निकल जाता है तब जाकर के मन पर यह केमिस्ट्री का प्रभाव नहीं होगा और मन हमेशा शांत रहेगा। देखो इसलिए इस विक्षेप को निकालने के लिए दो प्रकार की साधना बताते हैं। एक तो है कि जीवन में उपासना को ले आना है, और उपासना में क्या होता है, बाहर निकृष्ट वस्तु को देख करके उत्कृष्ट की कल्पना करना और उस कल्पना के अनुसार जीवन को चलाना, उसको उपासना कहते हैं। अभी हम आ रहे हैं ऋषिकेश से, वहां नीलकंठ भगवान के पास अभी शिवरात्रि के में खूब धूम धड़ाका, अब उसमें हजारों लाखों लोग आ रहे और वहां क्या है, एक शिवलिंग ही तो है, तो उस बाहर में पत्थर को देखेंगे और मन में निर्माण होगा शिव का सौंदर्य।
माने बाहर एक निकृष्ट वस्तु को देखा लेकिन निर्माण हुआ अंतकरण का, इस प्रक्रिया को कहते हैं उपासना। तो इस उपासना के द्वारा हमारे मन के विक्षेप धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं। इसीलिए यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। तो कर्म को जब हम ईश्वरार्पण बुद्धि से करना शुरू कर देते हैं तो वही कर्म अब उपासना हो जाता है। और इस उपासना के द्वारा जिसके लिए हम कर्म करते हैं, जिस ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, उनके प्रति आदर सत्कार प्रेम इत्यादि होने के कारण वो कर्म हमको थकाते नहीं। देखो अपने यहां जाते हैं लोग आणंदी से पंढरपुर तक, तो वो थकते थोड़ी है, और उनमें मैं करता हूं ये भी भाव नहीं होता। एक बार हमने किसी को पूछा था, एक सज्जन को जो पहली बार हम गए, तो हमने कहा भाई आप कितने साल से चल रहे हो, तो उन्होंने इतना कैजुअली बताया, उनको पता तक नहीं कि उन्होंने क्या बताया। बोले ये हमारी 10वीं पीढ़ी है। क्योंकि मैं कहां आया, देखो अपने आप मैं निकल गया। फिर कहते थे हमारे पिताजी को, उनके पिताजी ने कहा कि भैया आप तो मैं तो नहीं चल सकता हूं, तो अगले साल से तुम चले जाना वारी के लिए। फिर वो चलते गए, फिर वो जब थक गए तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो बेटा अब मेरे से चलना नहीं होता, ये अपने घर की है परंपरा के, अब तुम चलते रहो। इस प्रकार से यह जो उपासना है अपने अंतकरण के जो विक्षेप है उसको शांत करने में साधना के रूप में है। इसलिए इस विक्षेपों को शांत करने के लिए योग और उपासना, इन दोनों के द्वारा हम अपने मन के जो विक्षेप है उनको शांत कर सकते हैं। तो मन निकल गया, उसके कारण अंतकरण के राग द्वेष निकल गए। उपासना करी तो उसके द्वारा जो मन को विक्षेप करने की आदत है वह विक्षेप भी शांत हो गए। अब तीसरी बात रहती है जीव के जीवन में, वो है आवरण। आवरण माने हमें अपना स्वरूप क्या है इसके बारे में पता नहीं, हमने अपने आप को कुछ ना कुछ मान के रखा है और उसी के कारण दुखी होते हैं। और जब दुखी होते हैं तो महात्माओं को जाकर के परेशान करते हैं कि आप क्यों सुखी हो। एक सज्जन ने हमको पूछा था इंग्लैंड में प्रश्न, स्वामी वो अंग्रेज था, यू आर नॉट मैरिड। तो मैंने जवाब दिया ही नहीं, तो उसने कहा आफ्टर ऑल हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। देखो माने हम लोग तो शादी करके दुखी हो रहे हैं और आप मुझे उड़ा रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको भी दुखी होना चाहिए। तो यह जो जीवन में है दुखी हम होते हैं तो महात्माओं को जाकर के पूछते हैं कि महाराज जी हमारे मन में बड़े विक्षेप आ रहे हैं, तो महाराज जी क्या कहते हैं कि देखो बेटा भगवान की उपासना करो। फिर उनको विक्षेप को शांत करने के लिए बताते हैं कि तुम जाकर के अमुक अमुक दिन हनुमान जी को एक प्रसाद नारियल फोड़ देना और हनुमान चालीसा के 108 पाठ करना, उससे क्या होगे शांति होगी। किसको, मुझे, फिर मेरे पास नहीं आओगे। उपासना में जब आदमी बिजी हो जाता है तो अपने आप विक्षेप शांत हो जाते हैं, या तो फिर योग में थोड़ा बहुत प्राणायाम करके उसके द्वारा विक्षेप शांत हो सकते हैं। तो ऐसा जो विक्षेप रहित राग द्वेष रहित अंतकरण है उसको कहते हैं शुद्ध और पवित्र अंतकरण। और शुद्ध पवित्र अंतकरण के लक्षण क्या है, जैसे योग्य दर्पण के लक्षण क्या है कि जिसके सामने आप खड़े रहो, यदि आप पिग्मी हो तो अमिताभ बच्चन नहीं दिखोगे, फिर वो जो दर्पण है वो नॉर्मल है। यदि आप वहां जाके खड़े हो गए और आपके हेड और टेल डिस्प्लेस हो गए हैं तो वो दर्पण गड़बड़ है। इसी प्रकार से शुद्ध अंतकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। तो इस तत्व जिज्ञासा के प्राकट्य के बाद फिर हम अच्छा कर्म करो बुरा कर्म करो इसके द्वारा हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम अच्छे बुरे के ऊपर उठ गए हैं। उसके बाद भगवान का नाम लो, किसी को बुरा नहीं करना चाहिए और सब भगवान को अर्पण करना चाहिए, ये भी हम पर प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि हमारे मन में कोई विक्षेप है नहीं। अब तीसरी बात रहती है और वो ये है कि ये जो दुनिया है ये क्या है,
इस दुनिया में सुखी दुखी होने वाला जो जीव है वो कौन है, यह जो ईश्वर है जिसने दुनिया को बना करके दुख की पुड़िया होम्योपैथी के जैसी हर एक को भेजता है बिना कुरियर का, वो ईश्वर कौन है। इस प्रकार से अब जिज्ञासा प्रकट हो गई। जिस अंतकरण में जिज्ञासा प्रकट हो जाती है वह अंतकरण कर्म और उपासना से अपने आप उपरत हो गया है। अब वह कर्म उपासना में कभी नहीं लग सकता। देखो एक बार एक सज्जन आए हमको मिले अभी अभी, स्वामी जी हमारी एक परेशानी है। हमने कहा रखो अपने पास, मेरे पास बहुत है, अब नहीं चाहिए मुझे। बोले नहीं, परेशानी ये है कि पहले मैं ओम शिवाय का जप करता था और जैसा आपने बताया उसी के अनुसार मैं करता था। हमने कहा मैंने तो आपको कभी नहीं बताया। बोले नहीं नहीं, आप मुझे नहीं बताया लेकिन आपने बताया, ठीक है। फिर वो करते 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 अब सासों के साथ मेरा ओम नमः शिवाय का जप शुरू हो गया है। अब मुझे प्रयत्न नहीं करने पड़ते, होते ही रहता है वो। अब मैं चाहता हूं उसको बंद कर दिया जाए लेकिन होता नहीं, अब क्या करूं मैं। हमने कहा इस मैं को हटा डालो। पहले जब नहीं होता था तब मैं परेशान है, जब होता है तो मैं परेशान है। अरे भैया ये मैं तो सबसे बड़ी परेशानी है। जब तक के इस मैं को हम हटा नहीं देंगे तब तक के जीवन में प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। और इसीलिए इस मैं का अनुसंधान करना है कि यह कौन है ये बताने के लिए इसमें जो उपदेश है वह इस छांदोग्य उपनिषद का आत्मा है। और इसी उपदेश को लेकर के हमें छठवें अध्याय में प्रवेश करना है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या हो गया है, मुख्य रूप से यह हो गया है कि जो कर्म है, कर्म में जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो हम ऊंचे नीचे योनियों में चले गए, अपनी इच्छा के अनुसार कर्म किए और वैसा फल मिला। उस प्रकार से एक जन्म से दूसरा जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम शुरू रहता है। फिर जब उपासना करी तो उपासना के द्वारा हम अपने इष्ट देवता के लोक में गए और वहां सायुज्य सारूप्य सालोक्य सामिप्य इत्यादि भिन्न प्रकार की जो मुक्तियां है वो प्राप्त करके जब उन्होंने अवतार लिया तो फिर हमको भी अवतार लेके दुनिया में आना पड़ता है। ये हो गया उपासना का फल। और उसके बाद आता है तीसरा ज्ञान का फल, जिसमें हमने अपने स्वरूप को पहचाना तो विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसके जीवन से सभी दुराग्रह निकल जाते हैं और न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, फिर उसके जीवन में प्राणों का उत्क्रमण यह हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, इस देह में रहते समय ही वह परमात्मा से एक हो गया है। उसके लिए फिर विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति यह अन्य लोगों ने अध्यारोपित है, वैसा देखा जाए विमुक्तस्य मुच्यते, वो हमेशा मुक्त ही था और मुक्त ही रहेगा, उसमें कभी बंधन था ही नहीं। देखो यह सौंदर्य है इस छांदोग्य उपनिषद और वेदांत के सिद्धांत का कि न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना तो कभी कोई निर्माण हुआ है, ना तो कभी कोई नष्ट हुआ है, ना तो कभी कोई बंधन में है, ना तो कोई मुक्त है, केवल परमात्मा मात्र है जो एकमेवाद्वितीय तत्व है। इसमें ये सभी प्रकार की बातों से कुछ भी निकलता नहीं। उसके बाद जो अनेक प्रकार की जो जीवन जीने के लिए बातें होती है उसका भी इस उपनिषद में बड़े विस्तार से वर्णन आया है। एक कथा आती है उसमें एक बार बहुत अकाल पड़ा तो एक ब्राह्मण जाकर के एक चंडाल के पास जाकर के वहां से वो झूठा खाना खाता है। फिर वही चंडाल उसको जब पानी पिलाने लगता बोले नहीं मैं झूठा पानी नहीं पीता हूँ। बोले झूठा खाना तो खाया, पानी क्यों नहीं पी रहे। बोले फिर वो तब सिद्धांत बताते हैं अपने जीवन की रक्षा के लिए ये करना आवश्यक है लेकिन बिना पानी पिए मैं जी सकता हूँ, इसीलिए मैं नहीं पीता हूँ, पानी तो कहीं भी मिल जाएगा।
इस प्रकार से हम अपने जीवन को समझदारी से चलावे। कई बार इतना दुराग्रह करते हैं, दुराग्रह करने वाला कभी भी तत्वों को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इस उपनिषद में सभी प्रकार की जो बातें हैं, साधक के जीवन में किस प्रकार से जीना है, गुरु का महात्म्य, उसके बाद उपासना का महात्म्य, आज्ञा पालन का महात्म्य, जो भी है पूर्ण मन से करें, तब जाकर के हमारी साधना ठीक होगी। किसी को बताने के लिए यह छठवां अध्याय हम लेंगे। श्वेत केतु आरुणेय आसीत इत्यादि अध्याय संबंध सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलान इत्युक्तं कथं तस्मात् इदं जगत् जायते तस्मिन्नेव चलीयते अनीति च तेन एतेव एतद् वक्तव्यम्। अब पहले पांचवें अध्याय तक इस सिद्धांत पर हम पहुंच चुके हैं कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलम् इति उपासीत। उपासना में तात्पर्य होता है केवल भावना प्रधान उपासना होती है। ध्यान से सुनना, जब भावना अन्य के प्रति करी जाती है तब द्वैत की उपासना है, जब भावना स्वयं के प्रति की जाती है तब अद्वैत की उपासना है, और अद्वैत तत्व में निष्ठा होती है जब उपासना पूर्ण हो गई और अब उपासना की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए पहले हमको बताते हैं कि यह शिवलिंग है, भगवान शिव है, इनकी आराधना करनी चाहिए, उनको जल चढ़ाओ और अमुक अमुक पाठ करो। तो वहाँ हमने एक शिवलिंग पर प्रभु की भावना करी। फिर दूसरी साधना या उपासना आती है कि हम अब शांत रह करके इस जगत में केवल शिवलिंग ही भगवान ही है, बल्कि संपूर्ण विश्व उसी भगवान का ही प्राकट्य है। इसीलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म यह उपासना है, सब कुछ ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। देखो हमारे 2008 की जो डायरी है उसमें हमने पहले ही इसमें लिखा है, इफ वी कैन सस्पेक्ट डिविनिटी इन मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, वी कैन सर्टनली डू सो इन गॉड्स क्रिएशन। हम जो उपासना करते हैं, करते क्या है, बाजार में जाकर के पूछते ये कृष्ण की मूर्ति कितने की है, 2100 21 रुपए देंगे? नहीं नहीं महाराज, 21 रुपए में क्या होगा। अच्छा ऐसा करना 2000 दे देना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऐसा करते हैं 22 रुपए दे देते हैं, और झगड़ा कर करा करके 25 रुपए में 21,000 रुपए की मूर्ति ला करके फिर उसकी उपासना करते हैं, भगवान मैंने एक टिकट खरीदा है इसके 4 करोड़ मिल जाए। भगवान कहते मेरा भाव कितना था, 4 करोड़। तो उपासना में हमने किया क्या कि बाहर के वस्तु में अनंत परमात्मा की भावना करी है। अब यही भावना करने की प्रक्रिया जब संपूर्ण विश्व पर अप्लाई करी जाती है तब उसको कहते हैं छांदोग्य उपनिषद की यह उपासना कि सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, यह संपूर्ण विश्व केवल ब्रह्म मात्र है, सत्य मात्र है, और इसी ब्रह्म पर यह अनेकता विविधता अध्यारोपित करी गई है। ऐसी उपासना पांचवें अध्याय में पूरी हुई। अब सवाल यह है कथम तस्मात् जगत इदम जायते तस्मिन्नेव लीयते च इति। तो यह संपूर्ण जगत उसी एक ब्रह्म से, परमात्मा से कैसे प्रकट हुआ और कैसे उसी में लीन हुआ यह बताना आवश्यक है। अनंतरम च एकस्मिन् भुक्ति विदुषी सर्वम जगत तृप्तम भवति इत्युक्तम। और ये भी कहा है कि विद्वान ने, कि एक विद्वान ने यदि अन्न खाया तो संपूर्ण विश्व तृप्त हो जाता है। तो ये कैसे संभव है, यही बातें जो सिद्धांत की है हमारे पुराणों में, महाभारत में इत्यादि आती है। जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के थाली से एक दाना उठा करके खाया था, दुर्योधन ने दुर्वासा जी को भेज दिया था जाकर के द्रौपदी को खाना मांगो, और उसको पता था जब इनको खाना नहीं मिलेगा तो ये बड़े गुस्सा करने वाले हैं, उसको शाप भी मिल सकता है, बड़ा वो शुरूर पॉलिटिशियन थे। तो जब वो चले गए नहाने के लिए
उसी समय द्रौपदी रो रहा करके भगवान को बुलाए, भगवान आए। आने के बाद भगवान क्या कहते हैं, मुझे खाने को तो मुझे बड़ी भूख लगी, बोले तुम भी मुझे खाने को ही आए क्या, वो भी लोग आके गए तुम भी खाना मांग रहे हो। बोले नहीं, तुम्हारी थाली दिखाओ। और उस थाली में एक चावल का दाना चिपका हुआ था। इसीलिए हमारी भारत की माताएं बर्तनों को ठीक से साफ नहीं करती। यदि द्रौपदी ने थाली को ठीक से साफ करके रखा होता तो भगवान कैसे खा सकते थे चावल। इसीलिए बर्तनों को ठीक से साफ मत करना। तो उन्होंने एक चावल का दाना खाया। जैसे उन्होंने एक चावल का दाना खाया तो पूरे जितने भी 60,000 ऋषि थे जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे द्रौपदी जी की, उनका पेट भर गया और वो वहां से भाग गए। ये कब संभव है, जब हम प्राण और भूख तत्व से एक होकर के रहते हैं। देखो बहुत महत्व की बात है संत, इसी को कहते हैं कार्य से हटकर के कारण में जाना। हमारे संत ज्ञानेश्वर के जीवन में आता है, और जिनको ये बात समझ भी नहीं आती वो कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी है। तो या तो वो तो कॉक हो गए या तो बुल हो गए। देखो उसमें कहानी आती है कि वो पंडितों ने कहा कि तुम्हारा नाम ज्ञानदेव है और ये जो बफेलो है इसका भी नाम ज्ञानदेव है, जो भैंसा है, तो दोनों में क्या फर्क है। कुछ भी फर्क नहीं। तो फिर उससे उन्होंने जब मंत्र बुलवाए थे तो एक ही वाणी सभी देह से प्रकट हो रही है, एक ही दृष्टि सभी आंखों से प्रकट हो रही है। देखो जैसे एक ही बिजली सभी बिजली के उपकरणों से प्रकट हो रही है। बिजली भले यहां की चली गई वहां रही, लेकिन जो बिजली तत्व है वह निराकार निर्गुण है, और भिन्न प्रकार के गैजेट लगाने के बाद उसमें भिन्नता प्रतीत होती है। लेकिन उसके कारण बिजली जो फैन को जलाती है वो चंचल बिजली है, और जो हीटर को जलाती है वो गर्म बिजली है, और जो हमारे म्यूजिक सिस्टम को चलाती है वो म्यूजिकल बिजली है नहीं। इसी प्रकार से एक ही दृष्टि तत्व सभी आंखों से प्रकट हो रहा है, इसमें जिसकी निष्ठा है अनुभूति है वह व्यक्ति उसकी जो दृष्टि है वो भिन्न होगी। देखो और ये दृष्टि को जब तक हम अपना दुराग्रह नहीं छोड़ेंगे तब तक समझ नहीं सकते। एक बार अपने बम्बई की बात है, वर्षों वहां की, बहुत पुरानी बात है, वहां एक नई बिल्डिंग बन रही थी। तो वहां हमारे एक मित्र हमको ले गए, बोले स्वामी जी मैं तो ऊपर नहीं आ सकता लेकिन हमारे मित्र आपको ऊपर ले जाएंगे। और वहां से देखिए इतना सुंदर व्यू आता है, बहुत बढ़िया, समुंदर भी दिखता है, बॉम्बे भी दिखती है। तो उन्होंने हमको ऊपर भेज दिया, फिर भी हम नहीं गए। तो वहां से जाने के बाद देखा सब कुछ, और फिर हमको पूछते स्वामी जी वहां से कैसे दिखता था। हमने कहा वहां से ऐसे लगता था कि जैसे आदमी जब चल रहा है ऐसे लगता कि छोटी छोटी चींटियां चल रही है, और बसें जब चलती है तो ऐसे लगते बड़े बड़े मकोड़े चल रहे हैं, और जब ये अपनी लोकल ट्रेन चलती थी तब ऐसे लगते थे कि जैसे कोई अर्थवर्म चल रहा है। समझिए वहां जाकर के ये ऐसे दिखते हैं क्या, आदमी को चार पैर और ये अर्थवर्म के जैसा। अरे नहीं रे बाबा, समझने की कोशिश करो ना। आप ही ने तो कहा है कि वहां जाने के बाद आदमी स्थिति के जैसा दिखता है। ऐसा जो महात्मा होगा उससे क्या बात करें। देखो जो अज्ञात वस्तु है उसको बताने के लिए जो ज्ञात है वो संदर्भ दिया जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी प्रकार से इस परब्रह्म परमात्मा जो इस समय हमको अज्ञात है उसको बताने के लिए ये संदर्भ है। हमको भूख मालूम है, हाँ मालूम है, अपने भूख के कारण हम दुखी होते ये भी मालूम है, और ये भी मालूम है कि जब हमारी भूख शांत हो जाती है तो कितनी प्रसन्नता होती है। और यदि किसी की निष्ठा सार्वात्म्य अनुभूति में है तो वह जितनी खुशी अपनी भूख की शांति की होती है उतनी ही खुशी उसको अन्य के भूख के शांति से भी होगी। उसको कहते हैं सार्वात्म्य भाव।
उस स्थिति में रहना माने अपने व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंच जाना, उस स्थिति में रहना माने अपने कार्यात्मक स्थिति से हट करके कारणात्मक स्थिति पर चले जाना, और कारणात्मक स्थिति में आने के बाद उस पर कार्य प्रभाव नहीं कर सकता, जैसे सुवर्ण पर आभूषण प्रभाव नहीं कर सकते, इसी प्रकार से जो व्यक्ति है कार्य है उसमें जन्म मृत्यु का डर होगा, कारण में जन्म मृत्यु का डर नहीं होगा, कार्य में मैं तू तू होगा, कारण में मैं तू तू नहीं होगा, कार्य में दोस्त और दुश्मन होंगे, कारण में दोस्त और दुश्मन नहीं होंगे, कार्य अनेक होते हैं कारण एक होता है, इस प्रकार से यह जो जगत है यह जगत किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, और एक के एक विद्वान को आपने खाना खिलाया तो सभी की तृप्ति होती है, ये कैसे तब एकत्व विवेचति आत्मनः सर्वभूतस्य उपपद्यते न आत्मभेदे, तो इसमें बताते हैं ये तभी संभव है कि जब सब में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। तो जैसे अपना बिजली का उदाहरण ले लो, बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब के माध्यम से प्रकाश रूप में होती है, यह सिद्धांत सभी बल्बों में प्रकट हो रहा है, चाहे वो बल्ब जाने या न जाने, देखो सिद्धांत अकाट्य है। जैसे मन आंखों से दृष्टि के रूप में प्रकट होता है, फिर वह मन गधे का रहे या घोड़े का रहे, समझदार व्यक्ति का रहे कि बेवकूफ का रहे, सभी का मन आंखों के माध्यम से केवल दृष्टि के रूप में ही प्रकट होगा। देखो इसीलिए यह तभी संभव है कि जब एक ही तत्व जो कारण है सब में से अभिव्यक्त होता है। कथम तद एकत्वम इति तद अर्थोयम षष्ठो अध्याय आरभ्यते। तब यहाँ ये हमको देखना है सीखना है कि कैसे एक ही तत्व है जो अनेक कार्यों से अभिव्यक्त हो रहा है, फिर भी उस अभिव्यक्ति के कारण उसमें अनेकता नहीं आई, अनेकता केवल औपाधिक होती है। देखो आकाश एक है और इसी एक आकाश में यदि 30-35 घड़े बना के रख दे, जिसको घट कहते हैं हिंदी में और संस्कृत में घट, घट घट में भगवान, घट माने देह, इसीलिए हम सब लोग घटिया है, घट में फंसे वो घटिया अपने को घट मान के बैठे हैं। तो यदि हमने अनेक घट निर्माण किए तो प्रत्येक घट में कहां बाहर से आकर के हम आकाश डालते हैं क्या? नहीं, जब घट निर्माण हुआ उसी प्रक्रिया में घटाकाश अपने आप निर्माण हुआ, उसमें पानी दूध चावल बाहर से डालने पड़ते हैं, घटाकाश नहीं डालना पड़ता है। इसी प्रकार से एक चेतन सत्ता उपाधि को आधार दे करके औपाधिक अभिव्यक्ति जो है उसको कहते हैं ये अनेकता। तो उपाधि अनेक है इसीलिए एक में अनेकता की कल्पना करी गई है। जैसे आदमी एक होता है, उपाधियां अनेक है, पहली उपाधि है माँ बाप की तो आदमी बन गया पुत्र, दूसरी उपाधि है पत्नी की तो आदमी बन गया पति तो पावन सीताराम, तीसरी उपाधि है बच्चों की तो बन गया हिटलर। देखो अरे एक ही आदमी अनेक उपाधियों के कारण अनेक सा प्रतीत होता है और दुखी कौन होता है? यह जो औपाधिक अभिव्यक्ति है यह दुखी होता है, आदमी कभी दुखी नहीं होता। इस पर आप गौर करो संतो, आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा, हम ध्यान में ही रहेंगे। देखो ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान देने की वस्तु है। तो, लेकिन ये देना ऐसा नहीं कि जैसे पैसे का दे देते हैं कि ले लो हाँ झंझट खत्म, ध्यान छोड़ दिया अब सो जाएंगे, वो उसका अर्थ नहीं। हमको सावधानी से ध्यान से जीना है, उसी को कहते हैं ध्यान का अभ्यास। ये तो हमारे लिए ध्यान क्या है? सफरिंग साइलेंटली इन द डार्कनेस इज कॉल्ड एज मेडिटेशन। इसलिए कितनी जगह आपने देखा होगा जब मेडिटेशन की क्लास होती है, हाँ पहले स्विच ऑफ करो, कोई चोरी कर रहे हैं क्या कि अंधेरे में करनी है?
ध्यान तो अच्छी बात है, अंधेरे में क्यों करनी है? नहीं नहीं नहीं, अंधेरे में ठीक रहता है। क्या ठीक रहता है? परस्परम सोयंतः। ध्यान करने वाला भी सो रहा है और कराने वाला भी सो रहा है, इसीलिए बंदी मुट्ठी सवा लाख। तो यह एक ही तत्व अनेक में कैसे अभिव्यक्त होता है यह बताने के लिए अब यह छठवां अध्याय प्रारंभ होता है। पिता पुत्राख्यायिका विद्याया सारिष्ठत्व प्रदर्शनार्था। और यहाँ एक आख्यायिका आती है, उसमें पिता और पुत्र की बातें हैं। ये इस ब्रह्म विद्या का जो सूक्ष्म तत्व है उसको बताने के लिए आख्यायिका आती है। अब पहला मंत्र है, श्वेत केतु आरुणेय आस तघम पिता उवाच, श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्य नवे सौम्य अस्मत्कुलीन अनुनुच्च ब्रह्म बंधुर्य भवितीति। एक पुत्र था जिसका नाम था श्वेत केतु, और वो अरुण का पुत्र था और अरुण का पौत्र था। पौत्र माने ग्रैंडसन। तो यह अरुण का बड़ा सुप्रसिद्ध ग्रैंडसन था, पोता था, जिसका नाम था श्वेत केतु। श्वेत केतु, अब इसके बहुत सूक्ष्म अनेक अर्थ है, हम केवल अपने तत्वों को पकड़ना है। श्वेत केतु माने सफेद झंडे वाला। माने क्या? केतु माने जो होता है पताका, उसको केतु कहते। श्वेत माने सफेद, माने जो अपने आप को बड़ा गुड़ी गुड़ी और बहुत ही स्मार्ट समझता है उसको श्वेत केतु कहते। तो ऐसा इसका पुत्र था। तो उसके पिताजी ने कहा कि देखो श्वेत केतु, तू अब 12 साल का हो गया है, अभी तक तूने KG-1 भी नहीं गया, ये गलत बात है। इसीलिए वस ब्रह्मचर्यम, अब तुम जाकर के ब्रह्मचर्य वास करो, माने अब गुरुकुल पे जाओ और वहां कुछ अध्ययन इत्यादि करो। कारण क्या है कि देखो हे सौम्य मेरे प्यारे बेटे, अब हमारे कुल में कोई भी ऐसा पुरुष या पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ कि जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी। तुम ही पहले हो कि जो 12 साल तक रहने के बाद भी केवल खाना खाना और सोया, उसके सिवा कुछ नहीं किया। अब तो कम से कम शर्म आनी चाहिए तुमको, जाओ जरा कुछ अपना उद्धार करो। हमारे कुल में आज तक कोई, यहां उन्होंने शब्द का किया ब्रह्म बंधु इव। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म बंधु किसको कहते हैं? ब्रह्म बंधु उसको कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी ब्राह्मणों के आदर्श जीवन का अपने जीवन में न उतार करके केवल जिसको लोकल लोग कहते हैं अडनाव बंधु। अड्डा बंधु माने क्या? इनके टाइटल सेम है, बाकी वैसा कोई उनका रिश्ता नहीं है। उसी प्रकार से ये केवल जन्म से ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, ना तो इसने कभी संध्या करी है, ना तो भगवान का नाम लिया है, ना तो त्याग की भावना है, ना तो शास्त्रों का अध्ययन करने की इच्छा है, बस केवल ऐसे ही जी रहे हैं, नाम के लिए है, बाकी असल में कुछ नहीं। तो ऐसे तुम ना बनो, इसीलिए मेरे प्यारे बेटे तुम जाओ जरा शास्त्रों का अध्ययन करो, इसके लिए तुम गुरुकुल में जाकर के शास्त्रों का अध्ययन करें। इस मंत्र से जो हमको सीखना है वो ये है कि अपने जीवन में अध्ययन सर्वोपरि होना चाहिए। जिसके जीवन में अध्ययन का महात्म्य प्रकट नहीं हो गया है, उसके जीवन में साधना माने क्या है? भगवान के ऊपर में प्रेशर लाना, देखो और कुछ नहीं है। हमारा बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस उपासना के बारे में, हम लोग क्या करते उपासना माने? वी गो टू द लॉर्ड, वहां जाकर के यस लॉर्ड लेट अस साइन एन MOU। क्या है MOU साइन करना है? देखो आपके पास अनंत शक्ति है, हाँ जी, लेकिन इच्छा एक भी नहीं, हाँ जी, मेरे पास अनंत इच्छाएं हैं, हाँ जी, लेकिन शक्ति एक भी नहीं, हाँ जी। तो लेट अस साइन एन MOU, आपकी शक्ति और मेरी इच्छा दोनों का भला हो जाए, ये हमारी उपासना होती है। इसीलिए इस उपासना का तात्पर्य ये ना होवे
की उपासना करनी है, माने बज भगवान के पास जाकर के लिस्ट के बाद लिस्ट देते रहना, ऐड करते रहना। हाँ हाँ, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है शास्त्रों का अध्ययन, अपने स्वरूप का चिंतन, प्रभु के प्रति समर्पण। उपासना का अर्थ मांगना नहीं, अपने हस्ती को मिटा देना है, उसको कहते उपासना। जब तक हम कुछ मांगते रहेंगे ना, तब तक के हमने इस जगत को सत्य माना है, और जगत को यदि सत्य माना है तो परमात्मा को हम भूल गए हैं, फिर इसी जगत के पीछे लगे रहेंगे। इसीलिए उपासना का तात्पर्य या आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य में तीन चार बातें होनी चाहिए। कर्म इसलिए करने हैं कि अंतकरण पर जो बोझा है राग द्वेष का वो हट जाए, माने जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो इसलिए ना करें कि हमको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो इसलिए करें कि वो कर्तव्य है, करणीय है और कार्य है, इसीलिए हमको करना है। उसके द्वारा अंतकरण का शुद्धिकरण होगा। फिर उपासना इसलिए करनी है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तब तो उसमें मैं बड़ा जागृत हो जाता है कि मैं तो अच्छा हूं, मैंने ये दान किया है, मैं बड़ा अच्छा कर्म करता हूं, मैं किसी कुछ लेता नहीं हूं। अभी मुझे किसने पूछा रिसेंटली, कहां की बात है, पूना की, बोले स्वामी जी किसी आदमी को करक्षम करने का मौका हो और वो करक्षम ना करे तो आप क्या कहेंगे? हमने कहा बेवकूफ। तो इसका मतलब है आप मुझे बेवकूफ कहेंगे? हमने कहा आप वैसे हो तो हाँ जरूर कहेंगे। बोले आपने तो मेरे पूरे जीवन पर चोट मार दी। हमने कहा मैं हूं चोटी वाला, क्या करूं, अब चोट मारने के लिए हूं मैं। हमने कहा देखो महाराज, सुनने की हिम्मत है तो सुनो। एक ट्रक के पीछे लिखा था बजा होरन निकल फोरन, उसके नीचे लिखा था दम है तो कर पार, नहीं तो कर इंतजार। देखो सभी महावाक्य हमारे यहाँ ट्रकों के पीछे लिखे होते हैं, इसीलिए अपना देश ज्ञानपूर्ण है, इसीलिए सभी अपने गुरु हैं। तो हमने कहा है हिम्मत तो सुनाता हूँ, सुनाओ। हमने कहा कि आप ये सुनना चाहते हो मेरे से कि पूना में होगा तो देशपांडे ही होगा और कौन होगा? तो देशपांडे जी आप जो कह रहे हैं ना, ये आप ऐसा सुनना चाहते हो कि आप तो बड़े अच्छे हो और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं और जो तो अपने और फिर आप नहीं 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 कस्त कहा मैं तुमको वो नहीं करने दूंगा, तुम बेवकूफ हो इसलिए नहीं खाए। देखो अच्छाई बोली नहीं जाती महाराज, अच्छाई जताई नहीं जाती। देखो जीवन अच्छा है तो क्या किसी पर उपकार कर रहे हैं हम? अच्छा तो होना ही चाहिए, उसमें क्या ग्रेट है? नहीं, लोग चोरी करते हैं, अच्छा उसके संदर्भ में देखो, माने हमारे जीवन में अभी करप्शन के प्रति महात्म्य है, इसीलिए ये प्रश्न मन में आते हैं। तो यहां हमारे मन में साधना का तात्पर्य भगवान से कुछ मांगना ये नहीं, अपने अंतकरण की शुद्धि करना है। इसलिए कर्मयोग का पूरा तात्पर्य यही है कि अपना अंतकरण पवित्र हो रहा कि नहीं। जब ये नहीं होता ना तो मालूम है क्या होता है, आदमी वीकलिंग हो जाता है। वीकलिंग वो होता है वो अपने हर कार्य के लिए किसी अन्य से सर्टिफिकेट चाहता है। अब बताइए मैंने ये ठीक किया कि नहीं? ये छोटे बच्चे होते हैं ना, हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू रिमेन एज ए बेबी? वी हैव टू टेक अ डिसीजन एंड लिव बोल्डली। हर बार मैं ये करूं कि नहीं, मैं वो करूं कि नहीं। कई घरों में देखा होगा बच्चे जाते हैं मम्मी सुसुकु जाऊं क्या? नहीं नहीं यही कर ले बेटा, वहां ठंडा है। कहां की बात है, किसी घर में था मैं तो बच्चा आया उनका, मम्मी मुझे सुसु करना है। जाकर क्या, कहां करूं? तो मैं वहां था इसमें कर। हाँ ऐसा व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक जीवन में नहीं जी सकता।
इसीलिए कर्म योग का तात्पर्य है अपने डिसीजन लेने की क्षमता हो और मस्ती से जिए है, डर डर के नहीं जिए। उपासना के द्वारा ये मस्ती का अर्थ एरोगेंस नहीं बल्कि समर्पण हो जाए। तो शुद्ध अंतकरण और उसमें मय का समर्पण जब हो जाते हैं तब तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। और इसीलिए जब तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है तो अपने आप हम शास्त्रों का अध्ययन करने लगते हैं। शास्त्रों के अध्ययन का महात्म्य है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। ये सिद्धांत हमने आपको कई बार बताया है, जैसे हमारी दृष्टि होती है वैसा दर्शन होता है, जैसा दर्शन होता है वैसा ही जगत के साथ व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है उसी के अनुसार जीवन के अनुभव होते हैं, और जैसे जीवन के अनुभव होते हैं वैसा अपना जीवन होता है। इसका मूल कहां से है? मूल है बुरी नजर वाले अपनी नजर तेज करा दे, अपनी नजर को ठीक करना है, और अपने नजर को ठीक करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। देखो, बताना मत किसी को, अपने ही मन में रखना। रोज हम लोग शास्त्र का अध्ययन करने के लिए कितना समय निकालते हैं? देखो, हम जब करेंगे राम 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 राम, वो जो झटका है बीच में वो थर्मामीटर का होता है, माला अड़क जाती है, उल्टी सीधी हो जाती है, निकलता है। देखो, वो हम उपासना समझते हैं, भगवान की पूजा करना वो उपासना समझते हैं, उधर से गाय आ रही तो गाय को हाथ लगा कर ऐसे कर लेना वो कर लेते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ नित्य निरंतर एक ग्रंथ लेना, उसका एक एक शब्द पढ़ना समझना, ये साधना है, ये दिमाग में उतरता ही नहीं। कारण क्या है? यहां बुद्धि लगानी पड़ती है। जब करने के लिए कौन सी बुद्धि है? भूर्व आरण्य कर दिया, करते रहो, ओम भूर्व सात अस्तरण गर्गदेशी ओम भूर्व सात अस्तरण गर्गदेशी ओम भूर्व, आखिर में जाकर के फिर जब माला खत्म नहीं होती ओम भूर्भुर ओम भूर्भुर ओम भूर्भुर। और जब आप अध्ययन करोगे ना तो उस समय आपको आराम से बैठना पड़ेगा, कागज पेंसिल लेवे, जो दीवार पर लटके हुए कैलेंडर का पीछे का भाग जो कोरा होता है उस पर मत लिखना, मैंने देखा है लोगों को क्या वो वहां लिखते हैं, राम नाम लिखना है तो जो पुराने आजकल के जो मॉडर्न पुराने लोग हैं, मॉडर्न पुराने लोग वो ये प्रिंटर से निकले हुए एक साइड से जो पेज है उसको पीछे लगा के उसके राम नाम लिखते हैं, वहां भी एक कंडीशन। तो शास्त्र का जब अध्ययन करेंगे आप, उस समय आप देखेंगे आपको एक एक चीज ऐसी स्पष्ट स्पष्ट क्लियर होती जाएगी, धीरे 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 एकदम पूरे दृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा। देखो, जब दृष्टि में परिवर्तन होता है सब अपने आप बदलता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। उदाहरण ले लो, यदि आपकी दृष्टि ऐसी खुल गई हो कि जब जब हम कुछ बनते हैं तभी हमारे बुद्धि में मन में विचार प्रकट होते हैं, ये सिद्धांत आपके गले उतर गया हो तो आपको मन को शांत करने के लिए एक क्षण भी नहीं लगेगा, क्योंकि जहां आप बैठे हैं मन में विक्षेप आ रहे हैं, तो देखो किसको विक्षेप आ रहे हैं, अरे मैं तो पति बना, अरे भैया मेडिटेशन करते समय पति कभी मेडिटेशन करता है क्या? नहीं, मेडिटेशन कौन करता है? भगवान का भक्त। अब कुछ बनना ही है तो बेवकूफ क्यों बनो, भगवान के भक्त बनो ना। अच्छा, मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं। जहां भगवान कृष्ण के भक्त बनोगे पत्नी गायब हो जाएगी और अपने साथ पति को भी ले जाएगी, पीछे क्या रहेगा? एकमेवा द्वितीय, आनंद ही आनंद है। देखो महाराज, केवल ये बात समझने की है। हम परेशान होते हैं, स्वामी जी मन में विचार क्यों आते हैं इतने जोर से, अब मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे, निकाल के रख दिए, विचार तो मन में ही आएंगे ना, और कहां आएंगे? देखो, इसीलिए जब ये बात समझ में आती है तो हमने जैसे उस सज्जन को कहा था ना
कि पहले हमारा जब नहीं होता था, लेकिन अब इतना जब होता है बिना चाहे दिन रात चलता है तो उसको बंद कैसा करें। दोनों में परेशानी किसको है? मैं को। पहले मैं जब नहीं कर सकता था, अब मैं जब कर सकता हूँ। सवाल जब करो या न करो इसका नहीं है, सवाल ये है परेशान हो या नहीं इसका। इसीलिए हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए तुम जाकर के शास्त्रों का अध्ययन करो। ये इस पहले मंत्र का अर्थ हमको सबको जीवन में उतारना है। देखो भगवद गीता को रोज एक श्लोक आराम से पढ़ लेना, कोई भी एक कॉमेंट्री लेकर के अपने गीता प्रेस के राम सुखदास जी महाराज की जो साधक संजीवनी टीका है वो बड़ी सुंदर है, उसमें बड़ा विस्तार से दिया है। केवल ऊपर ऊपर का नहीं, इट इज नॉट ए सरफेस स्विमिंग, इट इज अ डीप डाइव इनटू द सीक्रेट ऑफ भगवद गीता। तो उसको आप पढ़ो और एक श्लोक का पूरा पढ़ लिया, शांत होकर के बैठ लो, क्या क्या पढ़ लिया उसके रिविजन करो, और फिर ओरिजिनल श्लोक अपने हाथ से सुंदर अक्षर से लिखो, फिर जो समझ में आया वो लिखो, ऐसा धीरे धीरे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और जब 700 श्लोक पूरे हो जाएंगे तो भगवान के लिए उसको पब्लिश मत करना कि माय कमेंट्री ऑन गीता, क्योंकि फिर से आप पढ़ोगे तो लगेगा अरे मैं इतना बेवकूफ था। नहीं, ये भूतकाल नहीं है, ये वर्तमान काल है। इस प्रकार से जब हम शास्त्र के अध्ययन में लगेंगे तब जाकर के दृष्टि में परिवर्तन आता है। अच्छा, सह द्वादश वर्षम उपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध एवाय तगम्ह पिता उवाच श्वेतकेतो यन्नु सौम्य इदं महामना अनुचानमानी स्तब्धो असि उत तम आदेशम अप्राक्षः। स द्वादश वर्षः वर्षम उपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य। वो उससे अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार गुरुकुल में चला गया और वहां जाकर के 12 साल रह करके उसने शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद तब तक उसकी उम्र 24 साल की हो गई, चतुर्विंशति वर्षः, और उसने सर्वान् वेदान् अधीत्य सभी वेदों का अध्ययन इत्यादि करके महामना, महामना माने अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला, अनुचानमानी और बहुत ही बड़ा व्याख्या करने वाला, प्रवचन करने वाला, समझदार, लोगों को समझाने वाला, और शब्दहा, शब्दहा माने जिसको इतना जबरदस्त स्पॉन्डिलोसिस हो गया है कि जो झुक ही नहीं सकता। देखो, गर्व के कारण आदमी झुकता नहीं नीचे। हरिद्वार में एक जगह लिखा हुआ था, हम नहा के निकले, अपने कपड़े वहां रखे थे, तो कपड़े पहनते पहनते हमने वो पढ़ा, बड़ा आनंद आया। हमेशा अकड़े रहना मुर्दों की पहचान है। देखो, वंस द राइगर मॉडरी स्टेट यू कांट डू इट, हमेशा अकड़े रहना मुर्दों की पहचान है, और प्यार से झुकना जिंदा दिली का नाम है। देखो, तो यह शब्द हां एवाय, एकदम शब्द हो गया, इलेक्ट्रिक के पोस के जैसा खंबा खड़ा रहा। सगम हो पिता उवाच, ऐसे अपने 24 साल के लड़के को जो अपने आप को ज्यादा ही समझदार समझने लगा, ज्यादा ही इंटेलिजेंट समझने लगा, तो उसको पूछा, हे श्वेत केतु, तुम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और बड़े पंडित समझ रहे हो क्या तुम, और शब्द और बड़े अकड़े अकड़े खड़े हो यहां, तो तुमने वो पूछा क्या, क्या पूछा? अब यहां इतना ही मंत्र है। अब इसमें देखो, विद्या विनयेन शोभते, विद्या का सौंदर्य जीवन में विनय आने में ही है। इसके लिए एक दो बातें ठीक से समझ लेना। मनुष्य को जब शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता तो हम तो अज्ञानी है, हम कहाँ पढ़े लिखे आपके जैसे महाराज जी। आदमी को, मनुष्य को अपने अनपढ़ी का भी अभिमान होता है।
हम आपके जैसे थोड़ी, हम तो गांव के, हमने कहां अंग्रेजी पढ़ी है। अब उसका भी अभिमान देखो, पैसे होने का भी अभिमान होता है और न होने का भी अभिमान होता है। जिनको पैसे है वो अपने को बड़े अमीर समझ करके लोगों को तुच्छ समझते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है वो भी के, हम तो हम गरीब है ना, हमको कौन पूछता है। देखो दोनों पैसे के उपाधि से ही फंसे हुए हैं। एक होने का रोग होता है और दूसरा नहीं होने का रोग। नहीं होने का रोग वाले लोग सुधर सकते हैं, होने का जो रोग है उससे सुधरना बड़ा कठिन है। देखो ये डिप्रेशन में जो जाते हैं ना जवान लड़के लड़कियां, उनको होने का रोग होता है। होने का रोग क्या है कि माँ बाप की कमाई है, रहने के लिए घर है, और फ्री में कहीं ना कहीं अपने फैक्ट्री फुक्ट्री में लग गए हैं, कहीं स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जीवन में, और जैसे बड़े हुए तो माँ बापों ने उनको बोनसाय बना दिया। देखो जो माँ बाप अपने बच्चों को बोनसाय बनाते हैं ना, वो बच्चों के दुश्मन होते हैं। उनको धक्के खाने दो, गिरने दो, उठने दो, रोने दो, तब जा करके बच्चे में जो तेज है वो बाहर आता है। इसको कहते हैं होने का रोग। पर न होने का रोग माने जब हमारे पास कोई चीज नहीं है तो उसके द्वारा हम पीड़ित होते हैं। तो जब इन्होंने अध्ययन किया श्वेतकेतु ने, तो उसमें यही आ गया कि मैं अब जानता हूं। उसके बाद अनुचान माने, माने अपने आप को बहुत ही पंडित समझ रहे हैं। यह एक पांडित्य का प्रभाव होता है। दूसरा पांडित्य का प्रभाव, ध्यान से सुनना, शास्त्रों का अध्ययन पांडित्य के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए। पांडित्य जब प्रकट होता है और परमात्मा जब गौण हो जाता है, तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बाद भी, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी, उसके मन में खेद और दुख हमेशा बना रहता है। हम आपको नाम स्थान नहीं बताएंगे, हम गए तो हमको बताया कि स्वामी जी ऐसे ऐसे ये है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इतने बड़े विद्वान है तो हम उनका सत्संग सुनेंगे। हम उनका सत्संग सुन रहे थे, हमारे साथ कुछ लोग भी थे, और जब सत्संग हो रहा था, दो घंटे तक बोले वो, इतने विद्वान, भागवत ले लो, उपनिषद ले लो, शंकर भाष्य ले लो, पतंजलि योग दर्शन ले लो, और पाणिनि का ग्रामर ले लो, सब कंठस्थ मुखस्थ, और काफी उम्र से भी बड़े थे, कोई 70-80 साल के हो गए। लेकिन उनके पूरे बोलने में एक ही नोट, अगेन एंड अगेन, जैसे वो पल्लवी होती है ना, सुखकर्ता सुखकर्ता जयदेव जयदेव, उस प्रकार से एक ही पल्लवी लगी हुई थी। कौन सी? ये सब देख करके बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है। दो चार वाक्य बोलेंगे और फिर ये सब देख करके बड़ा दुख है, बड़ा खेद है। सब कुछ होने के बाद हमारे साथ जो ज्ञानी लोग थे, तो स्वामी जी इन्होंने इतना सारा पढ़ा है और ये हमेशा दुखी रहते हैं। भगवद गीता क्या कहती है? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यदि शास्त्रों का अध्ययन होने के पश्चात आदमी दुखी रहता है तो उसने शास्त्रों का अध्ययन केवल पांडित्य के लिए किया है, जीवन में उतारने के लिए नहीं किया है। देखो, और ऐसे को कहते हैं यहां उपनिषद, महामना अनुचान माने शब्दा, फिर वो शब्द हो जाते हैं, किसी के सामने झुकना नहीं। देखो तो ऐसे अपने पुत्र को देख करके उन्होंने कहा, क्या तुमने वो आदेश पूछा है क्या? आदेश माने क्या? आदेश माने ब्रह्म आदिश्यते सह आदेशः तम अप्राक्ष पृष्टवान असि आचार्यम। आदेश माने जिसके द्वारा परम ब्रह्म को लखाया जाता है उसको आदेश कहते हैं। हम लोगों ने केनो परिषद पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, अच्छा मैंने पढ़ा है क्योंकि केनो परिषद कौन सा है ये भी बता दें। तो केनो परिषद में हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ वहाँ दो तीन आदेश बताए। एक आदेश बताया था जैसे आकाश में बिजली चमकती है, उसी प्रकार से यह परमात्मा अपने जीवन में प्रकट होता है, एष आदेशः। फिर दूसरा आदेश बताया था कि जैसे अपनी पलके
झुकती है, खुलती है, पता भी नहीं चलता कितने बार हमने पलकों को खोला बंद कर दिया। तो ब्लिंकिंग इज नॉट नोन, विंकिंग इज डन, देयरफॉर इट इज नोन। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लिंकिंग, नॉट विंकिंग। तो उसका भी पता भी चलता नहीं लेकिन हो रहा है। इसी प्रकार से हम अपने स्वरूप में सहजता से रहे। तीसरा आदेश बताया था, गच्छति वच मनहा अभीष्ट संकल्पहा। जैसे मन एक के बाद एक अखंड संकल्प करता है, उसी प्रकार से अपने स्वरूप में अखंडता अकाट्यता है। इसको कहते हैं आदेश, जिसके द्वारा हम परब्रह्म परमात्मा को लखाते हैं, उसको कहते हैं आदेश। तो तुमने वह आदेश सुना क्या अपने आचार्य से? केवल शास्त्र आचार्य उपदेश गम्य इति एतत्। इसका एक अर्थ और ये भी है कि यह परब्रह्म परमात्मा के बारे में जब तक के हम शास्त्र के आधार पर आचार्य ने बताई हुई बात अपने हृदय में नहीं उतारेंगे तब तक के ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। हम लोगों ने मुंडकोपनिषद में पढ़ा है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम् ब्रह्मनिष्ठम्। हमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना है, माने हमारे जीवन में ऐसे आचार्य हो जो शास्त्र में निपुण हो और जो ब्रह्म में निष्ठावान हो, तभी जाकर के हमको कुछ मिलने की संभावना है। ये बात मैं कई दिनों तक इस पर चिंतन करता रहा, ऐसा क्यों कहा होगा शास्त्रों ने, और इसका उत्तर मुझे एक छोटे बच्चे ने दिया। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कहीं कुछ ऐसे बता रहा था बच्चों को, कहानी बहुत पुरानी बात है। एक बच्चे ने मुझे आकर के कहा, ऊना की बात है, स्वामी जी हम आपको एक बात बताएं। बताओ। बोले, आप जो हमको कहानी बताते हो ना ध्रुव की और प्रहलाद की या भगवान कृष्ण की, ये हमको क्लिक नहीं होती। अब जैसा कहते हैं प्रहलाद जी के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु, इतना भयानक क्रूर आदमी था, हम तो इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। कोई बाप इतना क्रूर नहीं होता, एंड एज ए चाइल्ड ही इज राइट, क्योंकि वो तो वही देख रहा है ना, उसके जीवन में क्या रहा है। फिर ध्रुव ने जाकर के एक टांग में खड़े होकर के प्रदक्षिणा करी। बोले, हम एक उंगली उठा करके भागते 10 मिनट में, और वो उसने एक टांग में खड़े होकर के ऐसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय की तपस्या करी, हमको विश्वास नहीं होता उस पर। और भगवान कृष्ण ने अपने उंगली पर वो पर्वत को उठाया, और कौन सी खास बात है, भगवान ने उठाएगा तो कौन उठाएगा। अरे यार, ये तो बच्चा तो बड़ा पक्का है। बोले, ये उदाहरण से हमको क्या मिलने वाला है। उस दिन के बाद मैंने ये जो अपने पौराणिक उदाहरण है ना, वो देना बंद कर दिए। इसीलिए ये जो सिद्ध महात्मा होते हैं ना, उनमें सब शक्तियां प्रकट है। यदि वो सबसे प्रेम कर सकते हैं तो कौन सी खास बात है। देखो, भगवान कह सकते हैं नमे द्वेषोस्ति न प्रियाहा, कौन सी खास बात है। हमको तो एक ऐसा चाहिए कि जो हमारे जैसा ही है लेकिन उसका व्यवहार ईश्वर के जैसा है, तब हमारा इस पर विश्वास हो सकता है कि हाँ ये संभव है। देखो महाराज, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जावे, और समित पाणी ही, समित पाणी का अर्थ है हाथ में सूखी लकड़ी लेके जाना। किस लिए? ताकि गुरु महाराज को अच्छी तरह से लिटाया जा सके। और चार शिष्य गए कि राम नाम सत्य है। तो केवल शास्त्र आचार्य उपदेश गम्य इति एतत्। तो यह जो ब्रह्म उपदेश है, यह शास्त्र के आधार पर आचार्य के द्वारा उपदेशित जब होता है तभी ये समझ में आता है, अन्यथा केवल आप ओरिजिनल मंत्र पढ़ो। और जिन्होंने परंपरा से शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है उनके लिए केवल एक बोझा मात्र रह जाता है, या तो केवल अपने संस्कृत भाषा के ज्ञान पर पढ़ेंगे तो पांडित्य प्रकट होता है, परमात्मा का अनुभव प्रकट नहीं होता। समादेशम विशिनष्टि। अब वो कौन सा आदेश है, वो कहते हैं
येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति कथम नु भगवः स आदेशो भवति इति। तो उन्होंने कहा कि तुमको बताया क्या तुम्हारे गुरु ने कि जिसके द्वारा जिसको सुनने से जो भी अनसुना है वो सब जान लिया जाता है, जिसको जानने से जो जाना नहीं है वो जाना जाता है, और जिसको अनुभव करने से जो अनुभव नहीं किया वो सब अनुभव किया जाता है। ऐसा तुमने अपने गुरु से सुना क्या? अब ऐसी जब अपने पिताजी से श्वेतकेतु ने बात सुनी तो वो एकदम नॉन प्लस हो गया। अरे ऐसी भी कोई चीज है क्या? और इसके ऊपर में भगवान शंकराचार्य का बड़ा सुंदर भाष्य है। कथम नु भगवान का आदेशो भवति इति, श्वेतकेतु ने पूछा कि वह आदेश क्या है, तो आप ही मुझे बताओ। कारण क्या है, श्वेतकेतु को डर लगा कहीं फिर कहे फिर 12 साल जाओ। और फिर उसने ये भी कहा कि यदि ये बात मेरे गुरु को मालूम होती तो वो मुझे जरूर बताते, मुझे नहीं लगता उनको मालूम थी, आपको मालूम है इसीलिए आप मुझे बताओ। माने उसने ये नहीं सोचा, ध्यान से सुनना, उसने ये नहीं सोचा कि उस ब्रह्म ज्ञान के लिए मैं अधिकारी हूं या नहीं हूं, ये उसने विचार नहीं किया। उसने विचार ऐसा किया कि गुरु को ये ज्ञान था या नहीं था इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं दिया, अदरवाइज आई एम द बेस्ट स्टूडेंट। हर एक बेवकूफ को यही लगता है कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई आई ही नहीं। भगवान की शंकराचार्य का भाष्य जो है बहुत ही सुंदर है। इसीलिए उसने कहा कि मैं तो ठीक हूं, बड़ा अच्छा विद्यार्थी हूं, लेकिन उनको ही शायद मालूम नहीं होगा कि तो मेरे जैसे अच्छे विद्यार्थी को क्यों नहीं बताते। तो हमें अपना क्या अधिकार है, हमारे अधिकार को गुरु ही पहचानता है। हर एक व्यक्ति को लगता है मैं तो सभी चीज के लिए अधिकारी हूं। देखो कई बार हम बात करते किसी को कुछ बताते हैं तो एक सज्जन ने पूछा स्वामी जी आप हमको कुछ बताते नहीं। हमने कहा हम बताएंगे योग्य समय आने पर। नहीं मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। हमने कहा प्रॉब्लम यही है जो नहीं करना वो भी तुम कर डालोगे। एक छोटा सा उदाहरण दे आपको फिर कंक्लूड करें। एक सज्जन हमारे आज पुस्तक देखे और स्वामी जी हम पढ़ना चाहते थे हमको दीजिए। हमने कहा ले लो जी। फिर ला 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 ले आए। फिर उसको हमने 5-10 पन्ने ऐसे बड़े ढूंढ ढान के निकाले। हम नाटक करने में उस्ताद है, खूब ढूंढ ढान के निकाले। हाँ ये और उसको स्टेपल कर दिया दोनों तरफ, इसको मत पढ़ना बाकी कैसा पढ़ लेना। आए लेकर के स्वामी जी क्या हो गया, आपने जो कहा था ना पढ़ो मत वो मैंने पढ़ लिया। क्या कोई बात नहीं, उसमें कुछ खास तो था नहीं, आपने मुझे क्यों कहा कि उसको पढ़ना मत। हमने कहा तुमने मुझे प्रश्न पूछा, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मैंने तुमको बताया। सी देयर इज अ डिफरेंस रिप्लाइंग द क्वेश्चन एंड रिप्लाइंग द स्टूडेंट। नॉर्मली द स्टूडेंट गेट्स लॉस्ट इन द क्वेश्चन बट द टीचर इज कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट नॉट इन द क्वेश्चन। ये समझना बड़ा कठिन है महात्माओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।